तो एक्स स्क्वायर देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये दो इक्वेशन, एक कि बी का वैल्यू प्लस या माइनस हो सकता है और सी का, ये सॉरी वैल्यू करें साइन, और सी का साइन हमेशा प्लस होगा। तो बी का साइन या तो प्लस या माइनस, यानी एक बार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। थोड़ा इक्वेशन पे ध्यान देना कि सी का साइन दोनों केस में क्या है, प्लस है, और या तो बी का साइन प्लस या बी का साइन माइनस। अब भी 6000 प्लस वैकेंसी है बैंक क्लर्क का, 5 क्वेश्चन ये रहेगा, 3 से 4 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम 4 दिन, और 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, जो मैं बता दूंगा एग्जाम में क्वेश्चन वही आता है। अगर आपका अदर सब्जेक्ट सही हो तो मैथ्स में जो बताऊंगा एग्जाम में वही आएगा, आपका सिलेक्शन होना ही है। हम सही से नहीं पढ़े तभी हम लोग बाहर रह सकते हैं। तो देखें ये दोनों का कैसे हम लोग देखने के साथ बता दें, कौन कौन, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। देखो सबसे पहले हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए कि सर ये सी का साइन क्या है, सब लोग देखेंगे यहां सी का साइन क्या है, प्लस। ये प्लस मींस क्या होता है, दो नंबर ऐड करने पे बी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ए गुना सी, और ए अगर वन है तो केवल सी आ जाए। फिर से देखें, जोड़ने पे ऐड करने पे बी, ऐड दो फैक्टर, दो फैक्टर ऐड करने पर क्या है बी, तथा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए ए इंटू सी। तो ऐड करने पे, अच्छा ये प्लस जो है ना, यही प्लस बतलाता है कि ऐड करने पर, माइनस नहीं करना है, यहां के माइनस से गुमराह होना ही नहीं है। ये प्लस है या माइनस है, फिर से अच्छे से समझोगे, ये प्लस है या माइनस है इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पहला ध्यान कहां जाना चाहिए, क्या सी का साइन यानी ए और सी का साइन ये प्लस है। अगर प्लस है तो हम लोग के माइंड में आना चाहिए कि सर दो नंबर लीजिए, जोड़ने पे क्या आ जाए बी, और गुना करने पर ए इंटू सी। पहला काम खत्म। दूसरा काम जो सेकंड आपका स्टेज होगा, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, इफ यदि बी का साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर का साइन, दोनों फैक्टर का साइन, ध्यान देना, अगर बी का साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर का साइन माइनस होगा। अगर ये प्लस तो दोनों, यहां पे प्लस था तो ये प्लस केवल इतना ही बताता है कि दो नंबर लो, जोड़ने पे कौन आ जाए बी, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए ए सी। उसके बाद वो दो नंबर हम लोग ले लिए। अब हम लोग साइन की बात करेंगे, अगर बी का साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर का साइन क्या होगा, माइनस होगा, और अगर बी का साइन माइनस होता तो दोनों फैक्टर का साइन प्लस होगा। क्लियर। थर्ड, यदि बी का साइन, यदि b का साइन माइनस है तो दोनों फैक्टर का साइन क्या होगा, प्लस होगा। मतलब सिंपली एक लाइन में कहें कि इसका उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा। अगर ये प्लस तो दोनों, ये माइनस तो दोनों,
याद रखना दोनों एक ही जैसा होगा, ये प्लस यह भी बतलाता है कि दोनों फैक्टर का साइन एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। मतलब अब यहां क्या ध्यान दिए कि ये प्लस मतलब जोड़ना है, प्लस मीन्स ऐड करना है, अगर ये माइनस रहता तो सबस्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स वाले को मत देखना, बिना एक्स वाले को देखो, सर इसका साइन क्या है, प्लस है तो दो फैक्टर लेंगे, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा बी, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा बी। पहला चीज ये बताया, दूसरा ये बता रहा है कि या तो दोनों प्लस होगा या दोनों। अब यहां से छुटकारा मिला बी के पास है, बी कह रहा हम अगर प्लस है तो दोनों मेरा उल्टा होगा, अपोजिट होगा, ये प्लस तो दोनों और ये माइनस तो दोनों, यानी किसी भी इक्वेशन को देख करके उसका वैल्यू बता सकते हैं। पहले ये नोट कर लिया आप लोगों ने, बैंक पीओ बैंक क्लर्क अधिकारी बनना, बैंक अधिकारी बनना सबसे आसान है। दो महीना में जो मैथ्स पढ़ा दूंगा एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, पूरा दो साल नहीं दो महीना। बाकी पेपर आपका इंग्लिश अच्छा हो रीजनिंग अच्छा हो मेरे पास चले आओ, देख लो कि मैथ्स जो पढ़ा देंगे एग्जाम में वही रहेगा। तुमको यहां बैठने को कौन बोला कि सर अब आप इधर चलिए उधर जाइए, उधर बैठो आंख दर्द करता तो यहां का वहां बैठो तो वहां से आंख अच्छा हो जाएगा, आंख कैसे दर्द करेगा वहां से भी ऐसे ही कर रहा है। हम बोले ही थे ईएनटी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ। देखो भाई एक साल में भगवान मिलते हैं, आज का भगवान गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, प्राइवेट है इधर उधर करके तो सब मेहनत करके कमाता है, सरकारी नौकरी मिल गया एकदम डायरेक्ट, इसका मतलब भगवान आप ही को देख ही रहे थे। पहले भगवान बुद्ध महावीर 12 साल 14 साल जंगल में जाकर हवा पी करके पत्ते खा करके तो ज्ञान की प्राप्ति होती थी, पता नहीं कौन सा ज्ञान हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग का ज्ञान कौन सा है, सरकारी नौकरी दिला दीजिए ना, आईएएस बना दीजिए ना, आईएएस बन गए तो एकदम साक्षात भगवान से भेंट हो गई कि नहीं। चलो आईएएस आईपीएस तो बात की बात है, छोटा सा सरकारी नौकरी, शादी भी नहीं होगा तुम लोग जो इतना हंस रहा है, सरकारी नौकरी है तो शादी है, सरकारी नौकरी नहीं है तो बचा खुचा जो आम है रात में जो सब्जी बच जाता है ना, सब्जी मार्केट में जाओ लाल पहले दिन भर चुन के सब निकाल लेगा और रात में सबसे सड़ा हुआ जो सब्जी रहेगा सबसे कम दाम में, दिन भर बिकेगा 40 रुपये, रात में का 10 ही रुपये ले लो ना, जा करके ले लो। चॉइस चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तैयारी करो। बीच में जो क्लास में अगल बगल वाले से गप करते रहते हो ना वो काम नहीं देगा, सर भी डांटेंगे भगवान भी दूर भाग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, मेरे को पेन टच नहीं करना है, थिंक विदाउट इंक, क्या है थिंक विदाउट इंक। इक्वेशन दिए अब हम जो वैसे बना है कुछ नहीं, आंसर मिला, ये क्या आंसर मिला है जी सर,
ये क्या है सेवन, ये क्या है, हमारा पहला नजर कहां जाएगा, पहला नजर इस प्लस टेन पे। ये प्लस क्या बोला, दो नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे दस आ जाए और जोड़ने पे सात आ जाए, तो तुरंत हम लोग लिख लिए एक पांच और एक दो। दूसरा ये भी बता रहा है ये प्लस कि या तो दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा। हम लोग भी नहीं देखे, यहां नहीं देखे, अभी इसके साइन को नहीं देखा, तो ये केवल इतना बताया कि देखो भाई आगे जा रहा है ना, तो या तो दोनों प्लस होगा या दोनों, ये क्या है, तो दोनों उल्टा अपोजिट हो गया आंसर। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो, जल्दी बोलो क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो। अच्छा आप लोग जितना बोल रहे हो ना, माइक में आवाज नहीं आ रहा आपका, देख लेना जब वीडियो देखोगे, आप लोग कितना भी चिल्ला के बोलो वीडियो में आपका आवाज, कुछ लोग सोच रहे मेरा भी आवाज जाएगा, आप लोग में से किसी का नहीं आना है। मैंने आप लोग को ब्लॉक कर दिया है। बोलो जल्दी, दो संख्या जोड़ने पे दस गुना करने पे इक्कीस, सात और सात में तीन जोड़ेंगे, सात गुना तीन, तो एक संख्या सात और दूसरा। अब इसकी दूसरी बात याद करेंगे, ये दो बात बोला था, क्या बोला था, देख भाई या तो दोनों प्लस या दोनों, ये प्लस क्या बतला रहा है, दोनों हो गया, साइन का भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स प्लस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो, फास्ट। सिक्सटीन एक्स प्लस फोर्टी एट कहां देखेंगे, पहले प्लस फोर्टी एट पर कहां देखेंगे, प्लस फोर्टी एट पे। अब ये प्लस फोर्टी एट क्या कर रहा है भाई, दो नंबर लीजिए, ऐड करने पे 16 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 48 आ जाए। क्लियर, तो तुरंत हम लोग, अब पहाड़ा तो थोड़ा याद है, 12 चौका 48 और 12 चार 16, तो तुरंत कहेंगे एक नंबर है 12 और एक है, इसने एक और हिदायत दे दी थी, दोनों एक जैसा रहना, दोनों भाई हो या दोनों बहन हो, एक भाई है एक बहन नहीं हो, ठीक है। तो देखने गए भाई तू कौन है, प्लस, तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस। चलो कोई प्रॉब्लम, आगे देखें, तो देखते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस अलेवन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो। सब लोग पहले अच्छे से ध्यान देना, कुछ लड़का लोग गुस्सा रहा था, केवल भाई भाई वाला दिखा रहा है, बहन बहन वाला भी दिखाइए ना, नहीं फिर भी वही देखेंगे कि मम्मी कौन है, मम्मी यहां है प्लस ट्वेंटी एट, क्या होगा प्लस ट्वेंटी एट, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे ट्वेंटी एट, और माइनस का अर्थ ये नहीं कि घटाने पे, इसको देखो ही नहीं, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां कोई साइन है इलेवन के आगे नहीं दिख रहा है, शुरू में हम देखेंगे ही नहीं, अगर जिसने देखा वो फंसा, और वो कहानी है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं, और हम सब लोग फंस जाएंगे। तो 28 एक नंबर, सात एक नंबर, चार, देखिए ये साथ साथ हिदायत दिया था कि देख भाई या तो दोनों भाई रहेगा या दोनों बहन, यानी दोनों या तो प्लस या दोनों, क्योंकि मैं प्लस हूं, ये अगर माइनस होता तो बात अलग होती, ये प्लस है तो ये प्लस है, तो यहां आए देखने के लिए, ये कौन है, ये भी कह रहा है कि हम आंसर तो उल्टा होगा, ये माइनस है मतलब दोनों हो गया। जल्दी से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो, जल्दी से आंसर बताओ।
अब तो इक्वेशन भी हम लोग लिख रहा है, लिखने के साथ आंसर माइंड में नॉक कर रहा है। सोलह तीन 19 सोलह तिया साइन देने का ये प्लस है, मतलब दोनों एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85 इज इक्वल टू जीरो। बोलो कहां जाएंगे, पहले घर जाएंगे, प्लस 85 क्या करे भाई, देख जोड़ने पे मैं तो प्लस हूं, तो लड़ना झगड़ना मैं नहीं सिखाता, मेरा काम है कि भाई मिलके रहो, तो मिलने पर 22 यानी जोड़ने पे 22 और गुना करने पे, जिसके मम्मी बड़ा अच्छी होती है ना, पॉजिटिव माइंडेड, तो बेटा को बेटी को पॉजिटिव बनाती है। देख लड़ना मत, एक प्लस माइनस होगा तो लड़ाई ना शुरू हो जाएगा, दोनों प्लस रहो या दोनों, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, आ जैसे ही मम्मी निगेटिव तो बाल बच्चा पॉजिटिव होगा। हम खराब रहेंगे, आप बेटा से कहो बेटा तू लोग अच्छा हो जाओ, हम खराब हैं, जैसा जर वैसा फल। क्या यहां एक 17 और एक, बोलो ये कौन, तो दोनों प्लस, जल्दी नोट कर लो। आ देखो कि ये देखो टोटल चार टाइप क्वाड्रेटिक है, दो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, सोचो क्या बैंक पीओ इतना आसान है कि ये चार टाइप सर में दो टाइप को तो हंसते खेलते बता दिए। अब बहुत होगा तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन को लाएंगे, धीरे दिखाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। और अगला दो बताएंगे, उसके बाद कहेंगे देखो जी क्वाड्रेटिक खत्म, उसके बाद भी बहुत बड़ा बड़ा ट्रिक देखेंगे कि और भी बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले नोट कर लो, नोट कर लिया, आप लोग भी थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिखा करो, रेड से ब्लू से, सब कंजूस सब को पीछे में ऐसे करके लिखेगा, मैंने जीवन में कितना बचा लेगा पता है, 5 रुपया कॉपी पूरे जीवन में, 10 पेज कंजूसी ज्यादा से ज्यादा, 20 पेज, इसलिए एकदम साफ साफ नीट एंड क्लीन, कभी भी पलट के देखें हमको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं फर्स्ट टाइम ही जो पहली बार में जीत गया, पहले बार में लीड ले लिया, उसके बाद में जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम शुरू से हार रहे हैं तो क्या करोगे, लास्ट में लक फेवर किया तो कुछ कर गए, और नहीं किया तो, इसलिए शुरू से आदत बना लो। क्या लगता है 5 रुपए ज्यादा ज्यादा इधर या उधर। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन उतारना भी है और साथ साथ सबसे पहले आंसर बनाना भी है। कुछ लोग तो मैं जानता हूं ऐसा बोलेंगे, मैं क्वेश्चन लिख लूंगा और आप बोलोगे सर हो गया, दीजिए कितना क्वेश्चन दे सकते हैं, दो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 39 इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन भी नोट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 60 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 72 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 78 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 48 इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 102 इक्वल टू जीरो। ये हो गया 8 नंबर, ये हो गया 9 नंबर, और एक और देते हैं 10 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85 इक्वल टू जीरो। ये 10 क्वेश्चन
क्वेश्चन मैंने था जल्दी जल्दी लिख दिया था, लेकिन शायद आपका आंसर बनना शुरू हो गया। क्वेश्चन उतारे हैं याद रखना, जिनका क्वेश्चन नहीं उतरा उनको डांट मिलने वाली है। क्वेश्चन भी उतारना है, आंसर भी बना देना है। कुछ लोगों का हाथ उठ गया, सर क्वेश्चन भी लिख लिए आंसर भी बना दिए। स्पीड ये चाहिए, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन लगाए आंसर दे दो, और वो भी उस चैप्टर में। आईबीपीएस क्लर्क 5 क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 5 क्वेश्चन, आरआरबी क्लर्क 5 क्वेश्चन, बैंक पीओ 5 क्वेश्चन, और वैसा 5 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट ही किए हैं। देख लो कि सेकंड में जवाब दे रहे हैं। पारा आते रहना चाहिए, पारा याद है, पारा 20 तक कितने लोगों को याद है, हाथ उठाओ, 20 तक वाले हाथ उठाइए। अच्छा मैं पूछ लूंगा, एकदम डू और डाई, जॉब तो मिलना ही है, जॉब तो मिलेगा यहीं से, क्योंकि किसी जूनियर से आप नहीं पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टीके सिन्हा सर पढ़ा रहे हो, और हजारों का रिजल्ट यहां से हो चुका है। जिनको लेट लग रहा है पता है उनको पारा अच्छे से याद नहीं है। टेबल याद है मतलब बन गया। अच्छा कुछ लोग टेबल याद है कैसे समझते हैं, 12 1 12 12 2 9 24 12 3 36 12 4 48 12 5, इसको याद नहीं कहा जाता। 12 7 84, 39 जा 117, 14 8 जा 112, 16 7 जा, ऐसे करके बोला जाए और आपका अगर जवाब आने लगे तो सोचो हमारा हमको टेबल याद है। अगर सेकंड भर के लिए ऐसे सोचे ना तो आप एग्जाम से बाहर हो गए। कुछ लोगों का पता है दरोगा का पीटी निकल जाता है, कर लेंगे केवल जीके पढ़ लेते मेरा हो जाएगा, बीपीएससी का पीटी निकाल लेंगे हो जाएगा, 10 क्वेश्चन है ना है सर कर लेंगे। मेंस में गया 72 मार्क्स केवल मैथ्स, 72 मार्क्स, और वो भी वही मार्क्स जो मैं बता दूंगा वही आएगा एग्जाम में, और वो भी नहीं कि 6 महीना पढ़ना है, तब भी लोग रिस्क ले करके मतलब 6 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और रिस्क लेकर के मैथ्स की तैयारी नहीं करते हैं, लास्ट में डूबते हैं, सर मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ मेरा 4। अरे 72 मार्क्स को तो तुमने साइड कर दिया था, 0.25 के कारण किसी का सिलेक्शन होता है और 0.25 के कारण किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो सोचो जिसको 1 नंबर से ही छूटा वो जीवन में अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाता है। काश थोड़ा पैसा उस समय हम खर्च कर दिए रहते, हम भी कहीं से व्यवस्था करके पढ़ लिए रहते तो शायद ये दिन नहीं आता। उसके बाद कहीं जीवन भर रिजल्ट नहीं हुआ तो सोचो कि कितना वो रोएगा पूरे जीवन में। क्या बचाया, 10,000 20,000 रुपया, क्या गंवाया, कितना टीचर लोग लेते हैं आपके 1 महीने के आधे महीने का भी सैलरी नहीं लेते हैं। 1 महीना कितना भी कम, 50,000 में जाओगे 40,000 में जाओगे, आधे महीने का 20,000, 15 दिन की सैलरी हम उनको नहीं दे सकते जो हमारा पूरा फ्यूचर बना दे रहे हैं। हम नहीं सोच पा रहे, कर लेंगे ना सर इस बार नहीं तो अगला बार, अरे बेवकूफ, 1 महीने में 50,000 का लॉस तो 1 साल में 12 5 60, 6 लाख का लॉस होता है, और हम लोग सोचते कर ही लेंगे ना, लगभग में तो है, पढ़े क्यों, 1 मार्क्स बढ़ जाना 1 मार्क्स तो पढ़ाई करो किसी भी सब्जेक्ट में। मैं केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ने से लगे 1 नंबर बढ़ेगा जरूर पढ़ो।
ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा तब तो बात ही अलग है। खैर, शायद आप लोगों ने आंसर निकाल दिया है ना। तो चले देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 39। सबसे पहले कहां देखेंगे? प्लस 39 को। क्या है ये? प्लस। ये क्या बतला रहा है? ऐड करने पे 16 आएगा। साथ साथ ये भी बोल दिया, देख हम पॉजिटिव वाले हैं, दोनों भाई एक जगह रहना या दोनों बांध। क्लियर? ये प्लस तो दोनों माइनस, ये भी माइंड में आ गया। तो दो संख्या जोड़ने पे 16, गुना करने पे 39, 13 और 3, एक 13 और एक 3। बताओ होगा या नहीं होगा? अगले वाले में आ जाओ। यहां पहले ध्यान गया, जैसे ही यहां गया यहां भी देख ही लिए। अच्छा, जो आंसर आएगा ना वो दोनों प्लस वाला होगा। ये कह रहा एक के जैसा रहेगा, या तो दोनों प्लस या दोनों जोड़ने पे 19, 12 सते 84 और 12 और 7 19। तो एक होगा 12 और एक होगा 7। ये माइनस मतलब दोनों, और अगर कोई साइन नहीं दिया है ना तो वो प्लस है। इफ देयर इज नो साइन दैट इज प्लस। आगे बोलो, ये क्या है? प्लस 60। इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस। ये प्लस मतलब दोनों या दोनों? केवल दोनों माइनस। ये दो कैसे? मम्मी यहां है, ये कह रही है क्या? या तो दोनों प्लस या दोनों। तो दो नंबर जोड़ने पे 17 और गुना करने पे एक 12 और दूसरा। अब बताओ ये प्लस है तो दोनों, क्या हम देख के जवाब नहीं दे सकते हैं? अगर मैं किसी को आप में से बोलूं खड़े हो जाओ और सारे का आंसर का जवाब एक मिनट में दे दो, क्या नहीं दे सकते हो? तो तुम लोग कहोगे सर 10 सेकंड में ना दे सकते हैं, एक मिनट बोलिएगा। और एग्जाम में 5 क्वेश्चन आता है। अभी आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी आया हुआ 6000 से ज्यादा, 5 क्वेश्चन। इंग्लिश अच्छा अगर है, रीजनिंग अच्छा है, करेंट पढ़ रहे हो वो तो अभी हटाओ, मैथ्स तो मैं 100% करा दूंगा, एकदम होना ही है। लेकिन अगर इंग्लिश क्वालिफाई तो होता क्या है, इंग्लिश सबके लिए स्कोरिंग नहीं होता, तो इंग्लिश में हम लोग क्या सोचते हैं क्वालिफाई कर जाए और मैथ्स और रीजनिंग को स्कोरिंग में बदल ले। प्लानिंग सही होना चाहिए। बिहार वाले हम लोग हैं, बिहार यूपी झारखंड ये सबका इंग्लिश स्कोरिंग में जनरली नहीं हो पाता, तो क्वालिफाई से थोड़ा ऊपर है, रीजनिंग और मैथ्स में स्कोर कर ले, हो गया। 13 और 7 देखो जल्दी जल्दी, 13 और ये साइन क्या? तो दोनों साइन, ये क्या है? प्लस है। 12 और 6 क्यों नहीं होगा? 12 6 72 होता है, लेकिन 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और ये 22 है, इसलिए 12 6 नहीं लेंगे, 18 4 लेंगे। 18 4 22, 18 4 72, 18 and 4। अब बताओ ये माइनस तो दोनों, अब तो नींद में भी रहोगे तो बन जाएगा, है ना? 13 और 6 13 6 19 13 6 78। अब बताओ दोनों का साइन क्या? माइनस। यही चीज पता, टेंथ में बना पढ़ाना पड़ता है ना, या टेंथ के बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची कल पढ़ रही थी तो उसको बोले कि एक फॉर्मूला इसी से बनाओ ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसको तो दिया ऐसे बनाओ, और वो बना रही है अपना। मैंने देख लिया है तुम्हारा ये गलत है ये गलत, उसके मन में भी होता होगा कि सर तो ऐसे चेक कर ले रहा है। अब उसको बनाना है चूंकि ऐसे, अगर हम ऐसे बताते तो उसका मार्क्स कट जाएगा। लेकिन अब सोचो अगर जो लोग वहां से आते हैं ये सोचकर, कितना लेंदी है बी का साइन, यहां रखो ये क्या क्या पता नहीं, हमको याद ही नहीं रहता है, मेरे को तो याद नहीं रहता है, तो इसको हटा ही दिया जाए, क्या एकदम मिटा दिया जाए। चलो अगला, 16 और 3। 16 कहां गया? इसका 7 नंबर का, 16 3 48 और 16 3, ये माइनस तो दोनों
कोई प्रॉब्लम? अब इसमें आ जा, 13 और 3 दोनों का, ये माइनस मतलब दोनों का प्लस, ये 17 और 6 ये माइनस मतलब दोनों प्लस, 17 और 5 ये प्लस मतलब दोनों, आधा क्वाड्रेटिक खत्म, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म। प्लस होगा माइनस होगा ये झंझट भी खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 25 इक्वल टू 0, बताइए। जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 25 और जोड़ने पे 26, तो एक 25 और एक 1, ये प्लस मतलब दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 50 बराबर 0। ये प्लस दो संख्या जोड़ने पे 27, तब 20 7 हो सकता है, तब 20 7 100, ये 50 है, कैसे हो जाएगा? तो 25 दुना 50, आप 25 और दो, ये माइनस मतलब दोनों, पता है यही कारण है ना, मैथ्स में अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो एग्जाम में अगर हम 25 बना दिए तो सोच के आते हैं कि 25 में 25 सही है, कॉन्फिडेंस रहता है, बाकी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि 25 में 25 आ जाए या 20 में 20 आ जाए। यहां तुम जान गए मेरा सही है, रीजनिंग में भी बना दो लेकिन ये कॉन्फिडेंस वहां नहीं रहेगा, जीके बना दो 25 से 25 आ जाए तब तो वो उस आईएस है, ठीक है। तो इस बार जो 20 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, कितना क्वेश्चन नहीं 10 ही, और सबसे पहले जो बनाएंगे उनको ऑफिस से एक मैगजीन अभी दिया जाएगा। इस मंथ का नया मैगजीन आपको मिलेगा, बट कॉपी भी, कॉपी में क्वेश्चन भी होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं लिखोगे तब तो हम आ रहे, लिखने के पहले लिखे ना, हमको आंसर याद है। एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 104 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 119 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 65 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 78 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 76 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 66 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। जिनका हो जाए कॉपी पेन बंद, सीधा खड़े हो जाओ, मैं देखना चाहता हूं फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। जो फर्स्ट सबसे पहले खड़े होंगे बोर्ड पर आकर सभी का आंसर भी लिखेंगे।
चले आओ, गुड, नंबर वन आ जाओ, बार कॉपी लेकर। फर्स्ट थ्री को मेरे को चुनना है, फर्स्ट थ्री कौन? फर्स्ट बॉय मेरे पास आ चुका है, सेकंड और थर्ड कौन? जल्दी करो, फास्ट, सेकंड नंबर कौन आ रहा है? सेकंड नंबर जल्दी करो, फाइव फोर थ्री टू वन, आ जाइए। एक दो तीन, बगल में खड़े रहिए, ऑफिस में जाइए, कहिएगा जो इस बार किरण पब्लिकेशन का नया वाला मैगजीन आया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से दीजिए, दो दो, कहेगा न्यू वाला मांग के लाइए, गलत हुआ तो सोच लीजिएगा। चलिए कॉपी जमा कीजिए वहां, चलो वहां कॉपी रखो, रेस लगाओगे तो जीतोगे, जो लड़ेगा ही नहीं वो तो लाइफ में कभी नहीं जीत सकता। दो हिंदी दो इंग्लिश, अरे आप हाँ लाइए पहले, दो हिंदी दो इंग्लिश। किरण पब्लिकेशन का इस बार का, इस मंथ का न्यू मैगजीन, जो टॉपर है उनको मैं देना चाहूंगा। पहले आप कॉपी दिखाइए तो मेरे को, करेक्शन नहीं करना है, पेन रखो उधर। अगर तुम तीनों में कोई हारा तब एक भी गलत हुआ तो थर्ड प्राइज की विनर वो होगी, देख लेते हैं, नहीं तो वो चार नंबर पे है। और आपका अगर दो गलत हुआ तब चांस बड़ा कम लग रहा है। क्योंकि पहला क्वेश्चन सब इनका नाम क्या है आपका, श्रीकांत का टोटल सही है, इसलिए गिव हिम अ बिग हैंड क्लैप्स। इनका सब सही है, सेकंड में वो आया था, क्या नाम है आपका, धीरज। चलिए श्रीकांत अपना कॉपी पकड़िए, 13, 20, 13, 9, 17, 7, 13, 5, 13, 6, 12, 7, 19, 6। अच्छा तुम डैश वगैरह ऐसे लिख दिए हो जैसे लग रहा है कि साइन माइनस है, मैं क्या करूं बताओ, बताओ 6 का साइन कौन कहेगा कि प्लस है, 6 का साइन क्या लग रहा है, कोई भी देख के बताओ ये प्लस है कि माइनस है, कितना है साइन, केवल वही रीजन था। दूसरी बात, 25 यहां पे दोनों माइनस होता
ये कंप्लीट गलत है। आपका भी गलत है। अच्छा मैं देख ले रहा हूं, 13, 9, 22, 17, 7, 13, 5, 13, 6, 12, 7, 17, 7, आपका भी 8 नंबर गलत है। 17, 7, 17, 7 क्या है? चलो आ जाओ आगे, आप भी 5 नंबर वाले आ जाओ, अब भी तो 6 नंबर वाली खड़ी है। लग रहा गलत है, हाँ या ना? तुम जो बोलेगा हम वही मानेंगे, है ना गलत? जाइए 4 नंबर, -13, -8, क्या नाम है तुम्हारा? 20, 13, 9, 17, 7, 13, 5, 13, 6, 12, 7, 19, 4, 24, 22, 23, 6, 9। सेकेंड कर गए प्रियंका, आ जाओ बोर्ड पे। सो गिव हर अ बिग हैंड। टॉपर नहीं बने तो ताली तो बजाओ, यही रहो। कौन? नहीं, तुमसे पहले वो खड़ा था, मैंने बैठा दिया था। नहीं, हो सकता इसका रॉन्ग हो तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा। सत इसका पहले ही गलत है। चल खड़ी हो जाओ, तुम अपना चेक कराओ। 17, 5 मिल गया। पार्शलिटी मेरे पास नहीं है, सब लोग कॉपी देख रहे हैं, कहां से है? 13, 8, 20, 13, 9, 17, 7, 13, 5, 13, 6, 12, 7, 19, 4, 22, 23, 6, 9। गुड, चलो बोर्ड पे आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अमीशा। बेंच पिटता है, हाँ आदत हो गया है। तो उधर से वो पहले फर्स्ट कौन थे, इधर आइए। ये किसका कॉपी है? हाँ उधर से लाइए सारा। ये जुलाई का किरण प्रकाशन का ये मैगजीन है, और जो लोग टॉपर्स हैं उनको मिलेगा। इंग्लिश या हिंदी? हिंदी। तो जो टॉप किए उनको दोनों दिया जा रहा है। कुछ अगली बार मेंटेन रखना, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। प्रियंका, अनिल एक ऑफिस से इंग्लिश मांग के लाना। अच्छा आज के टेस्ट में आप लोगों ने क्या देखा? पेशेंस बहुत जरूरी है। केवल स्पीड अगर आप में था तो स्पीड नहीं, स्पीड तो चाहिए बट केवल स्पीड, ओनली स्पीड, इसके कारण एक्सीडेंट हो गया दो दो आदमी का। जो लोग सेकंड थे थर्ड थे, स्पीड के कारण गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आ रहा था, पेन जल्दीबाजी में ऐसे चलाया कि प्लस माइनस दिख गया, और एक को गलती से पता नहीं कैसे खींच दिया इधर से उधर। अरे फोटो भी तो सबका, तुम लोग अपना फोटो रखना चाहिए। चलो ले लेना इसमें से। तो ये कौन है? अमीशा। हमको जब नाम याद आता तो पहले वाला नाम सोचे, अमीशा पटेल, अमीशा मिश्रा। हाँ तो ये अमीशा मिश्रा का कैसे देते अगले टेस्ट में, फिर जीत जाओ।
सुनो आप बैठ जाओ। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देना है, हर टेस्ट से हमको सीखना भी है। पर सबसे पहले देखो कि आज ही शुरू हुआ क्वाड्रेटिक, आज ही हम लोग अच्छा करने भी लगे। कुछ लोग बनने के साथ आंसर बना दिए, कुछ लोग जिनका गलत है हुआ वो लोग गलत नहीं थे, मतलब सिली मिस्टेक उसको कहा जा सकता है, और उसके कारण वो लोग पिछड़ गए। स्पीड भी था तो भी पिछड़ गए। यानी हम लोग को दोनों चीज ध्यान रखना है। और जिसका नंबर नहीं था, ये दोनों का नंबर नहीं था, लाइन में थी ही नहीं, मेरे को तो लग गया मेरे को टॉप थ्री मिल गए, लेकिन सोचो यही पेशेंस होता है। हम पेशेंस में हड़बड़ाए नहीं और सही बनाए। कई बार एग्जाम्स में होगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो जल्दीबाजी में गलत कर लोगे, बाद में मालूम होगा एक दो मिनट मेरे को बच गया था। तो ये टाइम मैनेज करना ना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा टाइम भी मैनेज करो। दूसरा, जो लोग टॉपर बन रहे हो मेंटेन रखना कि अगली बार फिर टॉपर मैं ही रहो। जो सेकंड थर्ड हुए उनके लिए यही बोलना चाहेंगे, आज गलती से हो गए, अगले दिन अपने स्पीड को बढ़ाइएगा। आज जो लोग बाहर हो गए थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, ठीक है। आगे हम लोगों का कैसे